दोस्तों, जैसा कि कुछ ही समय पहले एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS भिट्टा की बायोपिक पर हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी और यह इस फिल्म के लिए अजय देवगन पहली पसंद थे, लेकिन अब रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार इस फिल्म में दिख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन को इस फिल्म में लेने का मन है, हालांकि अजय देवगन के पास अभी डेट्स नहीं है। ऐसे में अक्षय कुमार से बात की गई, साथ ही फिल्म की स्क्रिप्ट भी बताई गई और इसमें अब MS भिट्टा के किरदार में अक्षय कुमार हमें दिख सकते हैं। और वहीं जैसा कि अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों ही हर साल अपनी काफ़ी सारी फिल्में ला रहे हैं और जब 2020 में अजय देवगन की सारी फिल्में फाइनल है और वहीं 2021 में भी अजय देवगन की काफ़ी सारी फिल्में फाइनल हो गई है और वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की भी 2020 की सभी फिल्में फाइनल है और वहीं 2021 की भी कुछ फिल्में। और इसमें अब देखने वाली बात होगी कि MS भिट्टा की बायोपिक कौन करता है, अजय देवगन या अक्षय कुमार। हालांकि दोस्तों, यह रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर अक्षय कुमार को इस फिल्म में दिलचस्पी है और यह काफी जल्दी अक्षय कुमार MS भिट्टा से मुलाकात कर सकते हैं और इस फिल्म पर पक्की मोहर लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों, में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि MS भिट्टा की बायोपिक में अब हमें अक्षय कुमार दिखेंगे। और दोस्तों, आप अक्षय कुमार को एक और जबरदस्त बायोपिकल फिल्म में देखने के लिए कितने एक्साइटेड रहेंगे हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।